वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा पहुंच गई हमारी मूलांक 3 भाग्यांक 2 के ऊपर। कितना सुंदर कॉम्बिनेशन दोस्तों, एक तरफ गुरु, दूसरी तरफ चंद्रमा। मूलांक ड्राइवर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 1। दोस्तों सबसे पहले मजा तो आ रहा है ना इस वीडियो को आप जब देखते हो, तो कितनी आसान सी ये विद्या, जहां हम किसी व्यक्ति के डेट, मंथ और ईयर, सिर्फ हमें इतना पता है, डेट ऑफ बर्थ, कोई टाइम नहीं पता, बट हम ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में कितनी सफलता आने वाली है, कितनी सफलता उसे मिलने वाली है। इस योग में हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है उसकी सोच कैसी होगी, वो किस तरीके से सामने वाला जातक सोचता है। सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ पता हो, कोई टाइम नहीं, कोई कुंडली नहीं हमारे पास उस व्यक्ति की, लेकिन हम जान सकते हैं वो व्यक्ति किस तरीके से सोचता होगा, उसके विचार किस तरफ चलते होंगे। बहुत सुंदर विद्या जो हमें सीख रहे हैं। तो आज चर्चा को आगे बढ़ाया हमने ड्राइवर 3, कंडक्टर 2, एक तरफ गुरु, दूसरी तरफ चंद्रमा। दोस्तों बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन, गुरु आध्यात्मिक ग्रह और दूसरा चंद्रमा। चंद्रमा भी तो इंट्यूशन देता ही है, तो दूसरा ग्रह भी एक आध्यात्मिक ग्रह ही कहेंगे। दोनों का मिलन, जब गुरु और चंद्रमा कुंडली में कहीं बैठते हैं तो क्या कहते हैं उसे, गज केसरी योग। जब हम किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं दोस्तों, गुरु और चंद्रमा कहीं इकट्ठे बैठे हो जाएं, तो कहा जाता है इसकी जातक की कुंडली में गज केसरी नामक एक बहुत शुभ योग है। तो ऐसा ही योग तो यहाँ पर भी बना, 3 और 2 का मिलन, मूलांक 3 भाग्यांक 2। तो ऐसा व्यक्ति दोस्तों अगर स्पिरिचुअल धार्मिक उपदेशक, टीचिंग मैनेजमेंट एजुकेशन फील्ड में जाता है, पानी से संबंधित कार, होटल मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री, बहुत काम अभी मिलने वाली है इस लाइन में उसे। एजुकेशन फील्ड में तो कमाल का ये कॉम्बिनेशन काम करने वाला है दोस्तों। और इसके लकी नंबर की बात करें, जिस अगर इस व्यक्ति ने इन लकी नंबरों को अपने जीवन में शामिल कर दिया, तो फिर क्या होगा, इस सोने पर सुहागा दोस्तों। बताएं लकी नंबर कौन कौन उनके हुए। सबसे पहला लकी नंबर दोस्तों 3 नंबर, दूसरा 5 और तीसरा नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2 भी लकी नंबर होगा इनके लिए, नंबर 7 भी लकी होगा इनके लिए। तो ये नंबर को अपने जीवन में अगर वो जगह देते हैं, शामिल करते हैं, बहुत से दोस्तों का ये प्रश्न आता है इसको शामिल कैसे किया जाए इन नंबरों को। बड़ा आसान है दोस्तों, आप इन्हीं नंबरों के मकान में रहें, इन्हीं नंबरों के वाहन को इस्तेमाल करें, मोबाइल नंबर को इन्हीं नंबरों में लें, और अपने जीवन में जहाँ भी आप नंबरोलॉजी को आप समझते हो, वहाँ वहाँ आप इन नंबरों को उपयोग में लाएं दोस्तों। यकीन माने ये एक शुभ कॉम्बिनेशन तो है ही है,
साथ में आपको अगर इन नंबरों को आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता आपके आगे पीछे घूमने वाली है, रुकावटें आपको जिंदगी में मिलेंगे। रुकावटें क्या होती हैं आपको पता ही नहीं चलना, कोई रुकावट नहीं, लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी आपकी। बहुत सुंदर कम्बिनेशन दोस्तों, दोस्तों बहुत प्यार से आपने मेरे इस वीडियो को सुना और देखा, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।